अब टूटेंगे सब रिकॉर्ड्स और मचेगा सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का हल्ला। जिस तरीके से आदि पुरुष का ये जो फाइनल ट्रेलर आया, मैं बता नहीं सकता, देख सकते हो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। ट्रेलर देखकर मैंने भी कम से कम एक दो बार जो है ट्रेलर को देखा भाई, मतलब लिटरली जिस तरीके से फिल्म पर सवाल उठाए गए थे, जिस तरीके से बार बार फिल्म को लेकर ये चीज बोली जा रही थी कि ये तो एक कार्टून बना दिया, या इतने बड़े बजट के फिल्म को इतना ऐसे कैसे आपने बना दिया, ये सारे बहुत सारे सवाल उठाए गए। लेकिन उन सभी लोगों के मुंह पे एक तगड़ा तमाचा है। मैं कहता हूं कि आप एक बार ट्रेलर खोल कर देखिए। आप ट्रेलर खोल कर जैसे ही देखना शुरू करेंगे, अंदर जो एक ललक उठनी शुरू होगी ना अचानक से, वो एक अलग ही कुछ फील होगा आपको जब आप ट्रेलर देखोगे। और साथ ही साथ ट्रेलर की बात इस वीडियो में पूरी करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अगर बात की जाए इस ट्रेलर में, इसके पहले जो ट्रेलर आया था उसमें सैफ अली खान सीता हरण करने जाते हैं, माँ सीता का हरण करने जाते हैं, वो दिखाया गया था। लेकिन हरण करके किस तरीके से ले जाते हैं वो इस ट्रेलर में दिखाया गया। वो जकड़ जो एक रूट्स की तरह जकड़ा जो दिखाया है, जकड़ने का तरीका जो दिखाया है, माँ सीता ऐसे ऊपर उड़ते हुए अपने आप से जा रही है, ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा नई होगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये रामायण के हिसाब से देखा जाए तो मॉडर्न रामायण के हिसाब से बनाई गई है, और साथ ही साथ वो सारी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है जिसके लिए मर्यादा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जाना जाता था। और आपको बता दूं कि सीता का हरण दिखाया गया, और साथ ही साथ जो डायलॉग्स डाले गए हैं वो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड वाले डायलॉग्स हैं, कि दो पैर से 10 सर कुचलने आ रहा हूं, ये थोड़े डायलॉग्स जो है उस पे भी थोड़े सवाल उठ सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको बताऊं तो भाई, VFX बेहतरीन किया है, कलर ग्रेडिंग पे ध्यान दिया है, एडिटिंग तो गजब की, और घूसबम्स किसमें है पता है, बैकग्राउंड स्कोर्स में घूसबम्स है। और वही चीज जो है सबसे ज्यादा जान डाल रहे हैं पूरे के पूरे इस ट्रेलर में, पूरे के पूरे इस फिल्म में। और आपको बता दूं कि फिल्म जो है, जिस तरीके से पहले जो फिल्म का नाम था वो था आदि पुरुष, लेकिन अब ट्रेलर में ही लिख के आ रहा है हर भारतीय का आदि पुरुष। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप है हिंदुत्व को जगाने का, और इसी वजह से इस फिल्म को शायद इस समय पे लाया जा रहा है। फिल्म के जो डायरेक्टर है ओम राउत, काफी ज्यादा जो उनकी मेहनत थी, बीच में थोड़ी सी निराशा झेलनी पड़ी थी, दोबारा से ट्रेलर को रिकंसिडर किया, दोबारा पिक्चर को रिकंसिडर किया, रीएडिट किया गया, और अब ऐसा लग रहा है कि उनका जो सेटिस्फैक्शन था वो दिख के आ रहा है जनता को। और तारीफ करनी पड़ेगी इस फिल्म के डायलॉग राइटर लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर शुक्ला की, बेहतरीन राइटर, उमड़ा डायलॉग राइटिंग, और श्री राम को अपना आदर्श मानने वाले एक ऐसे सनातनी भाई जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज को प्रेजेंट किया है कि श्री रामचंद्र जी क्या थे। चाहे वो वानर सेना को लड़ते हुए दिखाना हो, चाहे वो राक्षसों की सेना जो रावण की सेना थी उनको मारते हुए दिखाना हो, या फिर लक्ष्मण जी का उस पूरे ट्रेलर में उनका पार्ट दिखाना हो, मेघनाथ जो है उनका एक सीन दिखाया गया है ट्रेलर में, ये सारी चीजें अगर आप बारीकी से देखोगे तो भाई ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है। और देवदत्त जिन्होंने हनुमान जी महाराज का कैरेक्टर निभाया भाई, मतलब क्या ही कहना, इस कैरेक्टर में उनका जो अग्रेशन है, उनका जो पार्ट है, वो पूरी तरीके से हमको देखकर आ रहा है बाहर। और प्रभास इसके पहले श्री रामचंद्र जी का किरदार निभा रहे हैं, इसके पहले भाई सबसे पहले तो ये किरदार निभाना खुद में बहुत बड़ी बात है, उसके बाद लोग आदर्श मानने लगते हैं आप। और बता दूं कि इस किरदार को देखने के बाद, प्रभास को ये बड़े स्क्रीन पर जब देखने जाएंगे लोग, तो मैं सच बता रहा हूं प्रभास के फैन होकर निकलेंगे। पिक्चर देखने जाएंगे आदि पुरुष, पिक्चर देखने जाएंगे रामायण के लिए, पिक्चर देखने जाएंगे हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी, माँ जानकी जी के लिए, लेकिन फैन होकर निकलेंगे प्रभास के। और उस ये फिल्म के बाद जिस तरीके का हिंदुत्व जागृत होगा वो कुछ अलग ही लेवल होगा। लेकिन ट्रेलर, अगर ट्रेलर की बात की जाए, बेहतरीन ट्रेलर, और गारंटीड जितने पैसे इस फिल्म में इन्वेस्ट हुए हैं, जितने पैसे लगे हैं ना, उसका शायद डबल या ट्रिपल ही प्लस करके देगी फिल्म। तो
तो इस पर आपकी क्या राय है? अगर आपने ट्रेलर देखा है, आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।